तुम्हारे लिए। अब तुम्हें फसल पर लगान देने की कोई जरूरत नहीं है, बस जमीन पर देना होगा। भेजे में नहीं घुसी बात। अब से फसल पैदा हो या ना हो, जितनी जमीन है उतना लगान देना ही होगा। सरकार, हमसे तो फसल का ही लगान नहीं दिया जा रहा, ऐसे में अगर पैदावार ना हुई तो कहाँ से देंगे लगान? तो फिर कानून के मुताबिक ये जमीन है हमारी, इन मजदूरों को इनकी मेहनत का जो बनता है दे दो। सरकार, हम मजदूर? सरकार, ये जमीन हमारी माँ है, माँ के बिना कैसे जिएंगे? सरकार, यहाँ तक है तुम्हारी जमीन? उस पहाड़ी तक है सरकार, कुल 5 गांव। अपनी जमीन को बचाने के लिए तुम कुछ भी कर सकता है, जान दे सकते हैं सरकार। यहाँ से जितनी दूर तुम दौड़ सकता है दौड़ो, जितनी जमीन पर तुम दौड़ गए वो जमीन तुम्हारी हुई, बट हमारा घोड़ा भी तुम्हारे साथ में दौड़ेगा। अगर वो एक कदम भी तुमसे आगे निकला तो वहां से जमीन हमारी हो जाएगी, लेकिन अगर तुम तुम्हारे घोड़े से आगे निकल गए तो वहां से जमीन तुम्हारी। तुम्हें शायद मंजूर है? सरकार, लगता है अपना घोड़ा मैसूर से पहले नहीं रुकेगा। Run, you! रेड्डी जी, आपने बोला लगान नहीं देना, लेकिन जैक्सन सर बोलते हैं आप तो पालेगार है ही नहीं, यानी नौसम का आपको गोद लेना नए डलहौजी लॉ के मुताबिक गैर कानूनी है, तो आप इस जमीन के कानूनी वारिस नहीं। मेरी विरासत पे सवाल उठाने वाला तू होता कौन है? तेरे दादा विलायत गए थे तो उनसे तू पैदा हुआ था या तेरा बाप? तू मेरा भाई है, बेटा है, दामाद है, कौन तू? इनकी तरह तू भी मजदूर है, लगान नहीं दिया तो सजा जरूर मिलेगी। क्यों दे दीजिए हम लगान? बादल तो लगान नहीं मांगते, मिट्टी भी नहीं मांगती, फसल भी नहीं मांगती, पर तू कौन होता है लगान? लेकर फसल तक सब हमारा है, पसीना हमारा है, खेत हमारे हैं, बीज हमारा है, पानी हमारा है, ये धरती हमारी है, इसका अनाज हमारा है, तो फिर हम तुझे लगान क्यों दें?
संतान है, इस मिट्टी पर हक हमारा है, तो फिर हम तुम्हें लगान क्यों दें? भैया सरकार, इस भूमि पर हल किसने चलाए? हमने चलाए। तो इसकी पैदावार पर किसका हक है? जरा भीड़ तो देखिए, देखिए चारों तरफ, ये समय ठीक नहीं है, चलिए प्लीज कम। अपना सर झुका, झुका, अब जा, और ध्यान रहे सर उठाने की गलती हरगिज मत करना, अब सीधे लंदन में ही सर उठाना, वरना पछताएगा, यहां दोबारा कदम रखा तो सर काट दूंगा। सरकार, घोड़े ने क्या किया है? नरसिम्हा रेड्डी ने इसके दिल में डर भर दिया है, जब भी हम इस पर बैठता है ये हमें उस डर की याद दिलाता है। इस नरसिम्हा रेड्डी को मारने के लिए मद्रास से बटालियन बुलवा लें सरकार। मद्रास की ताकत हमारे दम से है, मारना हमें नरसिम्हा रेड्डी को नहीं, उन गुलामों में सर उठाती हुई बगावत को है। हम दिखाएगा उन्हें डर किसे कहते हैं, फिर देखेंगे ताकत किस में है। उसका एरिया छोड़ दो, बाकी पूरे दत्त मंडलम से टैक्स की वसूली। मरते हुए सभी लोगों की चीखें उसके गांव तक जानी चाहिए। इतनी दहशत फैला दो कि उसकी हिम्मत ही टूट जाए। सुना है तुमने लगान देने से मना किया है? अपना लूटा हुआ एक मुट्ठी धन भी हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए। What about Tata Mandalam tax? सब रेडी है सर, सिर्फ एक एरिया को छोड़कर। प्रणाम मालिक। बोलिए मालिक। कल जंगल बलैया जी बड़े पैमाने पर भूमि पूजन करने वाले हैं। अकाल के कारण जिनकी शादियां रुक गई थी, क्यों ना वो भी संपन्न कर लें? जरूर, ये शुभ आमंत्रण आप मेरे बड़े भाई को दे दीजिए। जैसी आपकी इच्छा। जंगल मलैया जी सरकार, मैं कल जगन्नाथ मंदिर अपनी पूजा करने जाऊंगा जी। आप उसी समय अपनी भूमि पूजन का शुभारंभ कर सकते हैं। जो आज्ञा सरकार। ओ बन्ना सरकार, नौसम किले से हमें इस बार जितनी भी पेंशन मिली है वो इन जोड़ों को शादी के उपहार में दे दीजिए। जी सरकार। पेंशन? ओ देखो तो सही, पेंशन लेने आया था, मिल गई ना पेंशन, देख लिया ना। बोल दिया नरसिम्हा रेड्डी को, हम उसे पालेगार नहीं मानते, क्योंकि उसे तो कूट लिया गया था। इस कुत्ते को समझ में नहीं आया कि पेंशन नहीं मिलेगी, पूरा सिर मुंडो, दोबारा यहाँ दिखाई नहीं देना चाहिए।
भगवान को भोग लगाएंगे, उसके बाद ही हम खा सकते हैं। भूख लगी है माँ। अपने फसल की पहली कटाई देवी माँ को अर्पण करें। इस बार फसल अच्छी हुई। फौजा सारा अनाज गाड़ी में डाल दो। सरकार सरकार, दो साल बाद इतनी अच्छी पैदावार हुई है, हम थोड़ा थोड़ा करके लगान भर देंगे। क्या 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 याद है, आपने कहा था ये फसल हमारी है, ये धरती भी हमारी है। इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई है? अगर हम 66 गांव की पैदावार भी ले जाए तो एक साल का लगान रह जाएगा। सरकार सरकार, पूरा अनाज आप ले गए तो हम लोग क्या खाएंगे? इनको हमारा ब्रिटिश रूल समझाओ रहे बेचारे। जी सरकार, सब ध्यान से सुनो। ब्रिटिश सरकार ने नया कानून पास किया है, आज से गांव में जिसका भी ब्याह होगा उसकी दुल्हन पहले गोरे साहबों के साथ सोएगी। इससे तुम्हारा ही फायदा है, इससे तुम्हारा काला नस्ल गोरा हो जाएगा। सबसे पहले हम इन 10 दुल्हनों के साथ सोएगा। डर क्यों रही हो? हमको सब एक साथ थोड़ी चाहिए, रोज रात एक काफी है। तुम सभी गांव वाले फैसला करो कि कब किसको भेजना है और अपनी फसल वापस ले जाओ। हम लोग फसल दोगे या फिर लड़कियां? अरे रुक क्यों रहे हो, सरकार ने कहा है कि लड़कियों का लाभ फसल से चुकाएंगे। लड़कियां दो, फसल ले जाओ। सरकार रुक तो हम फिर भी सह लेंगे, बेइज्जती भी नहीं सह पाएंगे। सरकार अनाज ले जाइए। सरकार After all, औरत की इज्जत के वास्ते तुमने 66 गांव की फसल कुर्बान कर दी। You bloody barbarians! Soldiers, move the crop! माफ कर दो सरकार, छोटा है। फिर से चोरी? मैंने चोरी नहीं की माँ, ये हमारा है। ये लोग चोरी करके लेके जा रहे हैं। ऐसा नहीं बोलते बेटा, वापस रख दे। नहीं रखूंगा।
तुम्हें वक्त दिया, होने दो उसे। हम गोयल गुंडा में ही उतरेंगे। मस्किन टू कम, उसे बोलो हमारा पाँव पड़ के माफी मांगे। उसको अपना गुलाम बनाकर जिंदा छोड़ देगा, वरना उसे भी जला देगा तुम्हारे सामने। बन्ना सरकार, डोरा पिटवा दो। इस धंधा मंडलम के गांव गांव गली गली घर घर में ये ऐलान करवा दो, कल शाम से पहले उसके घर में घुस के उसका सर काटूंगा और रेनाडू का बच्चा बच्चा ये अपनी आंखों से देखेगा। इस मासूम की जली हुई मुट्ठियां साक्षी है और सूली पर चढ़े ये किसान साक्षी है, इन दुल्हनों की आंखों के आंसू साक्षी। ये बच्चा रीडर सिंबा रेड्डी उसे मृत्यु दंड देगा। Oh.